जी बेरा तार जी हर रोज़ की तरह इन्होंने रौला पाया है बार बच्चों ने और किन्ना ने नहीं सुबह का आगाज़ हो गया रहमतां बरकतां वाली चमचमाते सूरज के साथ ते इत्थे आ गई मैं किचन च ते मोटे ताज़े दो प्याज छिले हुए सी ते देश का चढ़ाया सी चूल्हे ते हांडी पानी एक साइड ते दूध उबाइल कर रही सी मैं। अस्सलाम वालेकुम वीर एंड वीनियो वेलकम बैक न्यू ब्रांड व्लॉग ताडा सारिआं दा वेलकम। ओह मैं क्या जी मेरे वीर ते वीनियां जिथे भी होणगे ठीक ही होणगे ना तुहानू मैनू अपनी जिम्मा च रखे ते भी माने तो महफूज रखिया आमीन। चलो जी अपनी विनी दे चैनल ते नवे गए सबसक्राइब करना भुल गए हो तो फटाफट कर दो चैनल सबसक्राइब वीडियो नूं लाइक भी करना दोस्तां शेयर भी करना ते प्यार प्यार कमेंट्स भी करना। लो जी मेरे फोन की बैटरी गई जी 5% ते मैं किचन च चार्जर भी नाल ही चुक के लै आई मैं क्या किचन च ला देवांगे स्विच बोर्ड ते स्विच ते फोन नूं चार्जिंग ते ला देवांगे इस तों पहले कदी बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अज टाइमो टाइम की टाइम तो भी कई टाइम पहले ही साडी पकन लगी जी हांडी हांडी च पकन लगा जी आलू गोश्त अज घर का कोई वर्क नहीं किया डायरैक्ट मैं आ गई किचन च मैं कह रही हाँ सब तो पहले ड्यूटी मेरी ऑन होई जी हांडी की बाद तो करांगे बाकी घर के वर्क पड़ा जे ताडी विन्नी भी बीमार होई जे मैं कह रही हाँ कुछ ना पुछो पेट च बड़ी दर्द कर रात दी होई जे मोशन लगे हुए ने ते थकावट भी मैनू बड़ी हुई है जिस तरह वीकनेस होंदी है पट्ठे भी काफ़ी दिनों तो मेरे खिंचे जा रहे ने बस बीमार शिमार होई हाँ थोड़ी बहुती तो पता नहीं किस तरह खलो के इतने मैं हांडी पकानी है। प्याज भी मैं कह रही हूँ इन्ना ढीठ इन्ना बदतमीज प्याज ना कटिया जाता है तो ना ही पतीले च गलद बहुत ही लिचड़ जहा आया है जे प्याज बिल्कुल ना बाजारों एहोजा प्याज खरीदना मेरे घर आया मेरे गल पिया है तरजे दुध सारे उबल गया ताडे ना लगी सी गल्लां करन बेरा तरजे मैं करिए नुकसान हो गया दुध सारे ही गिड़ गया एक गिलास तो डुली गया एक तो वह जाया होया दूसरा जरा गंद पैंदा है वह सारा साफ सुफ करके दोबारा तो कैमरा ऑन किया पतीले च घ्यो सुटिया तो वह भी पटाके मारन लग पाया क्योंकि पतीले च पानी गिला पड़ के प्याज मैं फिर घ्यो ही सुट दी तरफन वास्ते तो इतने फिर मुर्गी का गोश ही अद्धा किलो इनू अच्छी तरह वॉश कर लाँगे पानी नाल इतने मैं धोलता तो प्याज न तरफाना जे ब्राउन गोल्डन करना क्योंकि सीधा ग्रैंडर चलाना इतने आलू भी मैं धो के तो उस तो बाद छिल छिला के कटिंग शटिंग करके तो पानी च डिप करके रख दी आ साड़ी रेडी हो गई सी जूसर के जग सुट दी टमाटर काट लिते हरिया मिर्चा काट लीतियाँ ए भी मैं जूसर के जग च सुट सारिया शेवों ग्रैंड करांगे मसाला रेडी करांगे गर्म घ्यो चिकन सुट दी उस तो बाद एक चम्मच नमक का सुट दिता तो चिकन तरफा लवेंगे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे चिकन अच्छी तरह की ये भुनना है जे इन्ना क भुनना है कि यह कलर अपना चेंज कर जाए सोनी जी गोल्डन ब्राउन करांगे ऐसे जो जरा मसाला सी वो मैं ग्रैंड करता है पीस गया जे सारा मसाला जो जो सानू चाहिदा सी कि आलू गोश्त बना रहे हैं कौरमे स्टाइल दा मसाला साडा रेडी हो गया तो मसाले च मैं लसन अदरक नू शामिल नहीं किया उहदा पेस्ट जो रहेगा चिकन च सुट दांगे वड्डा डेढ़ चम्मच फड़ के ताकि इहदा जरा होंदी है जी खुशबू कच्चापन वो अच्छी तरह भुज जाएगा चिकन के नाल चिकन का भी फायदा हो जाएगा कि चिकन की स्मैल खत्म हो जाएगी तो बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी साड़ी हांडी इसी हुई काली मिर्च का एक चम्मच सुट दिता नमक पहले ही शामिल करता सी लसन अदरक का डेढ़ वड्डा चम्मच सुटिया तो अभी अच्छी तरह भुनाई कर लवेंगे अच्छी तरह चिकन तरफा लवेंगे वो होएगा चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा तो चिकन की बोटी बड़ी मज़ेदार होएगी फोकी फोकी नहीं होएगी कराली भी हो जाएगी बड़ी टेस्टी बड़ी मज़ेदार तो ऐसे फिर मैं हल्दी दा एक छोटा चम्मच विच ऐड कर दिता उस तो बाद साबत गरम मसाला उस जीरा दालचीनी इलायची सब चीज़ा कालिया मिर्चा वगैरह वह भी मैं एक चम्मच एक वड्डा सुटिया खाने वाला हम मसाला अपना ऐड कर देवांगे जरा सी ग्रैंड किता है बड़ा मसाले च एक गिलास पानी डोल देवे उत्ते ढक्कन दे देवे तो इनू असी पका लवेंगे ताकि सारा चिकन अच्छी तरह गल जाए अंदर तक ये टेस्ट चला जाए ढक्कन दे के पकावे तो नाल चैक करते जावे फिर चम्मच रख के उत्ते ढक्कन दे के पकावे ताकि चिकन की बोटी ज़्यादा गल के खुड़ी ना जाए क्योंकि टुट जा बोटियाँ तो बोटियाँ का भी ख्याल रखना असी ताकि टुटन ना हांडी साड़ी बहुत सोहनी भुज गई है इनू मजीद भुनांगे ताकि घ्यो छड़ दे इत्थे इन्ने घ्यो छड़ दिता तो फिर बिच आलू मैं सुट दिते आलूआं नू मसाले च रला के तो फिर इन्हां दी भी मत मारांगे मेरा मतलब कि इन्हां नू भुनांगे तरफावांगे जिस तरह बाकी शेवां तरफाइया उस तरह आलूआं नू भी तरफा लवांगे
तेज़ आँच ते आलू ते गोश्त की भुनाई करांगे कोई 20 मिनट असी। माशाल्लाह सारिया शेवां तरफ गई, आलू चिकन मसाला मैं करी इन्हों की मत वज गई। हूँ पानी डोल देवे हसबे जरूरत, बहुते ही डोलेंगे ढक्कन दे के फिर इन पकावे। असी शोरबे वाला बनाना है गोश्त। हांडी पकने पई तो छोटे चुल्हे वाल करती, वे चुल्हे ते तवा चढ़ाता, तवा भी गर्म हो गया। हांडी मैं कह रही हूँ पकती पी सी, जंपा मार दी पी सी, चार क मैं पेड़े इतने कर लिते, चार अदक पराठे बनावे। हलीम आई सी रात की, नान हलीम ते फुल प्लेट सी, इनू गर्म कर लाँगे तो पराठिया ना बड़ी मज़ेदार लगेगी, नाल चाय बना लवेंगे। चाय पक जाती है, रंग अपना छड़ जाती है, तो कप्पा च सुटने तीन तो इतने मैं कप लै लेते हैं। हांडी अपनी चेक करने पकती पी है, हल्की आंच तो पी लैन दें। असं तो हलीम पराठे खा लेने, नाल चाय पी लेनी है, तो हांडी साड़ी शाम के टाइम कम आएगी, रात के खाने च शाम के खाने च। कह रही ये असी चावल बना लाँगे। ओके हो गया, ओके चाय भी पक गई है। आज मेरी तबीयत नहीं सही, बहुत पेट च दर्द है, मोशन लगे ने मैं रात दे, तबीयत खराब हुई है, नसास हुई है मेरी तबीयत। ओए होए बिल्कुल हिम्मत नहीं है, फिर भी हांडी पकाई तो पराठे बनाए, सारे काम किते, असी नहीं करने तो किन्ने करने। तबीयत न माड़ी गोली तो कितने साड़े काम पाने, जो पानी पाता भांडे कि जल्दी हो जाते हैं धोने वाले, तो यह चाय साइड रेडी होगी, लैके अंदर चाहते हैं। हांडी पकती रहे पानी बिच, वाहवा ही पिया है, काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो सुकावे अच्छी तरह पकावे ताकि साड़ा सालन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाए। मिट्टी मैं बंद कर दी, हूँ मैं जा रही हूँ अंदर चाय लेके। चलो उठ जाओ फातिमा जल्दी से, मज़े का ब्रेकफास्ट करो। अलहमदुल्ला आलू गोश्त साडा रेडी हो गया है, माशाल्लाह अलहमदुल्ला आलू गोश्त का सालन साडा रेडी हो गया है, तो असी शाम को बनावांगे नाल तड़के वाले चावल, तो फिर खावांगे। बहुत ही लजीज ते बड़ी मज़ेदार बनया, यमी जी दी लुक है, देख सकते हो तुसी। धनिया भी अच्छी गार्निश करता है, तो हूँ दे देंगे उत्ते ढक्कन, क्योंकि फाइनली साड़ी हांडी पक गई हुई है, आँच मैं बंद करती हुई है, तो पक गई है साड़ी चाय। तो तुसी भी कहते हो कि किन्नी चाह पीते ने, हर वक्त सॉसपैन चढ़ाया हूँ चुल्हे पर, यह बन रही है मुजम्मिल की चाय, तो असी हमने पीती है नाश्ते नाल, तो मुजम्मिल नाश्ता कर रहा है तो उन्होंने चाय दें। इन्होंने किन्नी खा पाई है, किनिया सीटियाँ मारते पे ने, की गल है, तुसी बड़िया ही सीटियाँ मारते पे हो। देखो मी सुने, मेरी आवाज़ सुन के नस गए, इन्नी खप इन्होंने पाई सी। ऐ देखो किस तरह पिंजरे च सन्नाटा वरता इन्होंने, सन्नाटिया ने। चाय पक गई है तो कप च सुट दिए, अज मैं थोड़ी चाय मिली तो मैं कप च थोड़ी जी मैं क्या पीने, छोटा कप जो पीता तो यह वेखो कम मेरे, चाय भी गिर गई, सॉस पैन फाड़ के टुट जो गया दी डंडी। सुनिया ना मिसनिया दी आवाज़ा, जिसे मैं इधर आई हूँ तो फिर टीटी काड़े ने। एक किन्नी खप आई जे, मैं जिसे को जावगी तो रफू चक्कर हो जाएंगे, गैब हो जाएंगे पिंजरे चो हो गए जी। ठहरो जरा मिसने, मिस रहे हो फीस ते रब रखा।